और अब एक हैरान करने वाली खबर हम आपको दिखाते हैं। खबर आई है मुंबई से, काला जादू और ठगी से जुड़ी हुई ये खबर है। यहाँ पर दरअसल एक ठग ने पैसों की बारिश करने के बहाने करोड़ों रुपए ठग लिए। वारदात मुंबई के वर्सोवा इलाके की है। बताया जा रहा है कि ठग लोगों को बताता ये था कि तंत्र विद्या और काले जादू की मदद से वो पैसों की बारिश करवा सकता है। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए आरोपी नकली पैसों की गड्डियां दिखाता था और काले जादू की किताबें दिखाता था। इसके झांसे में फंसकर एक शख्स ने अपनी मेहनत की कमाई के 1,12,00,000 रुपए गंवा दिए। पीड़ित के मुताबिक जब उसे शक हुआ और उसने गिरोह के सदस्यों को फोन किया तो आरोपी ठग अपना नंबर बदलकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने इनकी शिकायत पुलिस से की, फिर पुलिस ने जगह जगह छापा मारा, आरोपी को पकड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी निश्चित कुमार रविराज, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसने कई लोगों से जालसाजी की है, इसका भी खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के पुलिस इंस्पेक्टर आशा कोरके मैडम, इनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके तहत ये पता चला कि बांद्रा एरिया में एक टीम आ रही है जो लोगों को ब्लैक मैजिक का झांसा देके मरे हुए आदमी को बुलाने का बहाना बना के उसके माध्यम से पैसों की बारिश करने वाली है। इस तरह की सूचना मिलने के बाद में वहाँ पर यूनिट 9 की टीम ने ट्रैप अरेंज किया, वहाँ पर 4 लोगों को गाड़ी समेत हिरासत में लिया। इसके साथ में जादू टोना के लिए लगने वाले, ब्लैक मैजिक के लिए लगने वाले चीज़ों को भी हमने वहाँ से जब्त किया है। इस इन्वेस्टिगेशन में इसके और साथीदार हैं जिसको हम तलाश कर रहे हैं।